हाँ, महाशिवरात्रि पर्व के बारे में कुछ आप प्रकाश डालिए। हमारी भारतीय संस्कृति में त्रिविध संस्कृति है, प्रकृति त्रिविध है, तो ऐसी तीन रात्रियां मुख्य मानी गई है, कालरात्र, महारात्र, मोहरात्रिष्ट दागुना की एक कालरात्रि, कालरात्रि मानी जाती है दीपावली की रात, सप्तमम काल, महारात्रि मानी जाती है महाशिवरात्रि और मोहरात्रि मानी जाती है होली की रात। होली, महाशिवरात्रि जो है इस दिन ऐसा माना जाता है, ये कहीं लिखित में तो नहीं है, शिवपुराण कथा नहीं, शिवपुराण कथा नहीं है, भगवान शिव की का विवाह हुआ है होली के बीच में, वो तो बुरा महालिंग दी, हाँ ऐसा भिन्न भिन्न बात आती है, महालिंग का प्रादुर्भाव हुआ था जी, उसका पता लगाने के लिए ब्रह्मा और विष्णु दोनों को भेजा था, विष्णु गए नीचे, ब्रह्मा गए ऊपर, तो विष्णु तो बहुत लंबी दूरी तक जाने के बाद में और अथाह है, हम उसका पता नहीं लगा सकते, विष्णु लौट आए, ब्रह्मा आगे बढ़े तो ऊपर शिव के लिंग पर केतकी का पुष्प चढ़ा हुआ था, वो कंपन हुआ और केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे आ रहा था, ब्रह्मा को रास्ते मिल गया, उनका ये प्रमाण मिल गया कि मैंने शिव का जो है शिव का शीर्ष है उसका मैंने पता लगा दिया, आकर के उसने जब शिव से कहा कि मैंने पता लगा दिया ये केतकी पुष्प उसका गवाह है, भगवान शिव ने फिर श्राप दिया ब्रह्मा और कहा कि आज के बाद तुम्हारी पूजन तुम्हारा कोई मंदिर नहीं रहेगा, ये श्राप दिया था, तो वो आदिलिंग का प्रादुर्भाव होगा, मतलब आदि से अंत नहीं मालूम, उस रात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है, और ये कहा जाता है भगवान शिव का विवाह हुआ था जी, और हल्दी भगवान शंकर विचरती नहीं लेकिन उस दिन चढ़ाई जाती है, उस दिन चढ़ाई जाती है, क्योंकि भाई विवाह है वो जी, उसको उत्सव मनाया जाता है, विवाह पर्व भी माना जाता है, पर्व माना जाता है, और ऐसा भी कई स्थानों पर देखा गया है कि कहीं कोई का शादी नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा है, शिवरात्रि कर दो, मतलब विशेष मुहूर्त रहता है, विशेष मुहूर्त। अब ये है भगवान शिव तो अनादि अनंत है और उनकी जो महाशिवरात्रि है यह भी वर्ष में एक बार बहुत बड़ा महान पर्व है, उस महान पर्व पर भगवान शिव की ही उपासना करनी चाहिए, और शिव की उपासना में ये कहा जाता है कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, यजमान व्यक्ति भक्त स्वयं शिव हो करके ही शिव की आराधना करें, मैं ही शिव हूँ, अधो वस्त्र में भी पूजन करते हैं, अधो वस्त्र में पूजन शिव की, हाँ शिव की आराधना, ऊपर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए, यज्ञ उपवीत हो, बाकी दो वस्त्र हो, दो वस्त्र का धारण करने का है, एक तो अधो वस्त्र नीचे की धोती पटका और एक पटका उत्तरी, तो इसके बाद में त्रिपुंड लगाए, रुद्राक्ष की माला पहने, और उस दिन तो केवल शिव का ही नाम का जब करने का विधान है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, पूजन नहीं कर सकते, अभिषेक नहीं कर सकते, आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो केवल मैं शिव हूँ, शिव 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 मंत्र का जप करता रहे, महामंत्र बस, उसको मुझे महामंत्र है, उसको संपूर्ण महाशिवरात्रि का फल प्राप्त हो जाता है, और शिवरात्रि में सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक चार प्रहर की पूजन होती है, सारी रात पूजन होती है भगवान शिव की, ये चार प्रहर की पूजन विशेष रूप से करना ही चाहिए प्रत्येक गृहस्थ को, भगवान शंकर को तो अवधर कोई भी बना और कंटिन्यू बोला ना, तो आशुतोष का मतलब होता है जो बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए, और कोई देवता ऐसे नहीं है जो बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाए, तो भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य मेव करना चाहिए, दूसरे दिन उसका पार फलाहार नहीं फलाहार होने लगी है, गच्चाहार हो रही है, गच्चाहार हो रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के व्यंजन बना, अच्छा है, अब ये लोग ये कहते हैं कि भगवान शंकर की शादी हम क्यों भूखे रहे, वो भी अपने आप में तर्क शक्ति अपनी अपनी अलग है, शेष ये है कि आप कुछ भी खाओ कैसा भी खाओ व्रत रहो निराहार हो या ताहार हो जैसा भी रहना आपको, लेकिन भक्ति
प्रमुखता है भक्ति की। उस दिन भगवान शिव का ही स्मरण करें, उनका ध्यान करें, उनका पूजन करें और सारी रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। उस दिन कोई किसी को सोना नहीं चाहिए। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली की रात, दिवाली की रात, ये रात्रियां जागरण की रात्रियां कही गई हैं। इसलिए इन रात्रियों में जो सारी रात जागरण करते हैं उनको उसका विशेष प्राप्त होता है। यहाँ भी शंभू दरबार में शिवरात्रि का विशेष पर्व मनाया जाता है और उसमें भी चारों पूजन होती हैं, चारों प्रहर की पूजन होती है। इसलिए सबको यहाँ आना चाहिए और भगवान शिव की पूजन, भगवान शिव का दर्शन। और यहाँ का शंभू दरबार का तो आनंद ही अलग प्रकार का होता है। यहाँ के अपने आप लगता है कि अभी भगवान यहाँ पर हैं, ऐसे ईश्वर की अनुभूति करते हुए सबको यहाँ पर आकर भगवान की पूजन करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और पुण्यधाम का आपका आशीर्वाद है। शिवरात्रि महात्म्य में एक जगह कहा गया है कि एक बहेलिया जिसके घर में कुछ भी नहीं, एक शिकारी धनुष बाण लिए घूमता है, जो पशुओं का शिकार करता है जंगली पशुओं का, और अपने घर में ले जाकर के सभी को उनका सबको भोजन बना के कराता है, और वो वहां पर उस दिन उसे कोई भी कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला तो घूमते घूमते जंगल पहुंचा। जंगल में जाकर के देखा कि यहाँ हिरण आएंगे, मैं इनका शिकार करूंगा, ले जाऊंगा, ले जाकर के अपने बच्चों को खिलाऊंगा। लेकिन रात भर धनुष बाण लिए उसके ऊपर बैठा रहा, एक वृक्ष के ऊपर बैठा रहा और देखते रहा, प्रतीक्षा करते रहा कि मैं कब हिरण को मारूं और कब उसे ले जाकर के दूं। तो हिरण वहां पर आते थे जल पीने के लिए, थोड़ा सा जल का सरोवर भी था, वहां पर आते थे और वो एकदम मारने के लिए अपना धनुष बाण उठाता था और उसके गले में बाजू में जो टंगी हुई तुम्बी थी उस तुम्बी से जल गिरता था और फिर पूरे समय वो पत्ते तोड़ के नीचे फेंकते जाए प्रतीक्षा में कि हिरण आए। है ऐसे करते 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 करते, वैसे कथा का तो बहुत लंबा कथन है, कथा में तो बहुत लंबा कथन का व्याख्या, बहुत ज्यादा व्याख्या है, लेकिन मैं संक्षिप्त से बताता हूँ कि वो आते थे और वो बस ऐसा के बाद में रात्रि में चार बार हुआ। पहले उसकी हिरणी आई, हिरणी के बाद हिरण आया, हिरण के बाद हिरणी आई कि नहीं मेरा वध करो, इसके बाद बच्चे आए कि नहीं हमारा वध करो। इस तरह से करते करते रात के चार पहर बीत गए और बार बार धनुष उठाने से, जब वो सामने आए वो धनुष उठाए, बार बार धनुष उठाने से जल गिरा और वो पत्ते टूट के गिरे। तो आखिरी में जब चौथा पहर भी व्यतीत हो गया और आखिर सारा परिवार इकट्ठा हो गया, कहते रहे कि हमें मारो, हमें मारो, हमें मारो, ऐसा होते होते आखिरी बार चौथी बार में जब जल गिरा और वो पत्ते टूटे तो शिवजी प्रकट हो गए। पता चला वहां पर शिवजी का शिवलिंग रखा हुआ था, शिवजी का मन स्थान था और वो वृक्ष पर जिस पर चढ़ा था वो भील का वृक्ष था। वो पत्ते टूट टूट कर पहले जल गिरे, फिर पत्ते गिरे, इस तरह से शिवजी का पूजन होते गया, चार प्रहर का पूजन हुआ और शिवजी प्रसन्न होकर के प्रकट होकर बोल क्या मांगता है। मतलब अनजाने में भी शिवजी प्रसन्न, अनजाने में भी यदि ऐसा हो गया उससे, उसके बाद भी शिवजी प्रसन्न हो गए, उनने उसको उनकी भक्ति का वरदान दिया और वो धन्य हो गया। तो शिवरात्रि का महात्म्य ये है, इसलिए शिवरात्रि को हर व्यक्ति को करना चाहिए, चार प्रहर का पूजन करना चाहिए और चार और शिव 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय इसका जाप करना चाहिए, यही उसकी विशेषता है। मतलब यदि कोई विद्वान ब्राह्मण हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है तो हम केवल स्मरण से ही इनको पूजन कर सकते हैं, शिव शिव नाम से ही। हाँ हाँ बिल्कुल सही। शिवजी के पूजन का तो बड़ा विधान है, भोले नाथ तो बड़े ओगरदानी है। एक कन्यप नाम का भक्त था, वो अपने आदिवासी था, जंगल में रहता था, एक आदिवासी झील में अंदर पहाड़ के नीचे रहता था। तो वहाँ पे एक बार घूमते 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 पहाड़ के शिखर पे चढ़ गया, वहाँ कोई मंदिर था, मंदिर के उस तरफ कोई बस्ती थी और वो बस्ती थी, वो बस्ती के लोग वहाँ पर आया करते थे, उसके साथ में एक वृद्ध उसका सहयोगी भी था। तो वो आज उससे पूछा कि क्यों, उस बालक ने, उस भील आदिवासी बालक ने पूछा कि ये क्या है, कि ये उस तरफ जो रहते हैं उन लोगों का कोई जगह है, उनका देवता है, उसका ये पूजन करते हैं।
उस पर बीलपत्ती फूल दूर्वा ये सब चढ़ा हुआ था, देखा उसने, अरे ये इनका कैसा देवता, केवल फूल बीलपत्ती से, फूल और पत्ती से ही मान जाता है, घास फूस खाता है, ऐसा कैसा देवता है। भक्त कण्णप्पो को लगा कि नहीं ये कोई बात है, फिर नहीं मैं इस देवता की मैं पूजन करूंगा। फिर भक्त कण्णप्पो आते रहा एक आया, एक दिन आया, क्या किया, पहाड़ के शिखर पर चढ़ना है, पूजन करना है, आया, आए आकर के वहां पर मुंह में तो जल भर के लाता था, ये मुंह में जी मुंह में जल भर के लाता था जी, और उसके बाद में हाथ में कंदमूल भुंजे हुए फल लेके आता था, कंदमूल जो जड़ होती है जमीन के अंदर वाली, जमीन के अंदर वाली कंद, भुंजे हुए कंद लेकर लेके आता था, मैं भूंज के ले जाऊंगा अपने देवता के लिए, भूंज के लेकर आता। आए, आने के बाद में फिर अब दोनों हाथों में तो हो गई सामग्री, अब क्या करे है? तो वहां पर वो मुंह में जल भर के लाया, आता था तो अब ये जो चढ़ाई है वो बाप पुजारी ने चढ़ा के गया है यहाँ पे, इसको कैसे करूं हटाऊं, तो अपने पैर से तो वो सब हटा देता था। अच्छा, शिवलिंग के ऊपर से पैर से सारी सामग्री हटा दिया करता था, और हटाने के बाद में फिर वो अपने आप में अपने मुंह का पानी शिव जी पर डाल देता था, मुंह में भरा हुआ पानी शिव जी पर डाल देता, और शिव जी पर डालने के बाद में वो कंदमूल फल वो पूरे चुपड़ देता था शिव जी के, और चला जाता, मतलब भक्ति भाव है। पुजारी आता था रोज आके कह के ये कौन बिगाड़ जाता है, कौन बिगाड़ जाता है शिव जी को, वो रोज पूजन करते जाता था। आखिर एक दिन पुजारी ने विचार किया कि देखू तो आखिर बात क्या है, कौन आता है, तो देखा कि वो आदिवासी युवक आया, आकर उसने वही मुंह से पानी बोलका भगवान को भोलेनाथ पे, और उसके बाद में वो कंदमूल फल चुपड़ दिए और चला गया। अब एक दिन भोलेनाथ ने उसकी परीक्षा ले ली, उस आदिवासी बालक आया, उसने मुंह से जल उगला और वो कंदमूल फल लगाए, और तो अनायास में शिवजी की पिंडी में दो आंखें बनी हुई थी और तिलक बना हुआ था, तो उस आंख से खून बहने लगा। उसने कहा अरे ये क्या हो रहा है, देवता की आंख से रक्त की धार बह रही है, ये क्या बात हो रही है। तो फिर विचार किया कि शायद मैंने पैर से के ऊपर से ये कचरा हटाया था, कचरा कहता था निर्माल्य जी, क्या जानता था, भोला भाला था। तो उसने कहा मेरे पैर का अंगूठा नाखून लग गया इसको, खून वगैरह है, तो फिर क्या करूं। कोशिश करी हाथ से उसको बंद करने की, लेकिन बंद ना हो तो अच्छा ठीक है, इसकी आंख खराब हो गई, ठीक है मैं अपनी आंख लगा देता हूँ इसको। भक्त कण्णप ने अपनी कटार निकाली, एक आंख निकाल करके वहां जैसे ही लगाई वैसे खून आना बंद हो गया। इसके बाद में दूसरी आंख से खून बहने लगा जी, दूसरी आंख से खून बहने लगा, तो विचार किया अब क्या किया जाए कि यार एक बात है, अब यदि मैं ये आंख भी निकाल देता हूं तो फिर देवता कि वो दूसरी आंख को मैं कहां लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा, क्योंकि मेरी आंख में। फिर उसने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, खून निकलती हुई आंख पे अपने पैर का अंगूठा लगाया, और उसके बाद में अपनी दूसरी आंख भी निकाली, और निकाल ही रहा था कि इतने में भोलेनाथ प्रकट हो गए। भक्त कण्णप प्रसन्न हुए, तेरे ऊपर मांग ले क्या मांगता है, कि अब तुम कौन हो क्या हो मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं जी, क्या देना चाहते हो, कि तू जो चाहे सो देता हूं। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने मन से उसे अपनी भक्ति प्रदान करी, और उसकी आंखें जैसी तैसी कर दी। तो भोलेनाथ तो ऐसी अवगरदानी है कि कैसी भी पूजा से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें समर्पण तो होना चाहिए, श्रद्धा तो होना चाहिए, आपका भाव तो होना चाहिए। मतलब ज्ञान मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति मार्ग से प्राप्त कर सकते हैं, दोनों मार्ग से। समर्पण होना चाहिए सबसे पहली बात, सबसे विशेष बात है समर्पण, श्रद्धा और समर्पण ही विशेष है, बाकी कोई वेद मंत्र या कुछ भी हो उसकी कोई जरूरत नहीं, समर्पण जरूरी, श्रद्धा समर्पण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सादर प्रणाम, बहुत अच्छा लगा मुझे और कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं मेरे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से श्रद्धालुओं को ये जानकारी पहुंचाऊंगा कि उनको भी ये जानकारी मिले, हमारी आने वाली नई पीढ़ी को भी ये जानकारी प्राप्त हो, क्योंकि कुछ समय से ऐसे देखने को जा रहा है कि हिंदू संस्कृति की जो विरासत है अपनी, उसमें उसके नियम कानून को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है कुछ तथाकथित विद्वानों द्वारा, तो आने वाली पीढ़ी भ्रमित बहुत हो रही है, उससे हमारे हिंदू धर्म पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि हम किस बात को माने। तो कहीं ना कहीं हमको एक उचित मार्गदर्शन मिले तो नई पीढ़ी प्रभावित नहीं होगी, गुमराह नहीं होगी।
इसका मुख्य बात यही है कि आपका श्रद्धा समर्पण विश्वास ये होना चाहिए, भगवान इसी से प्रसन्न है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।